भैया जी सुपर एट वन टाइम वॉच मूवी है, आप एक टाइम के लिए फैमिली के साथ देख सकते हैं, इतनी बुरी भी नहीं है। बट हाँ, वो जो सनी देओल को हम देखना चाह रहे हैं वो सनी देओल नहीं मिलेगा आपको। हाँ, अरशद वारसी, संजय मिश्रा, हाँ संजय मिश्रा और अरशद वारसी बहुत बढ़िया, उन जो भी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जो उनका करेक्टर है, जिस हिसाब से वो करते हैं, बहुत बहुत ही बढ़िया। स्टोरी लाइन वाइज कैसी है, तुम थोड़ा सा बताइए। उसमें ऐसा है कि वो जिस तरीके से वो वाइफ और जो हस्बैंड है उनके बीच की स्टोरी दिखाई गई है, बट जो एक्चुअल में दिखाना चाहिए उस तरीके ने ना आप उसको इस तरीके से देखेंगे कि कोई डॉन की स्टोरी है, ना वो प्रॉपर डॉन की स्टोरी है, ना वो प्रॉपर लव स्टोरी है। बट जो उन्होंने दिखाने की कोशिश की शायद अपनी तरह से उन्होंने दिखाया, बट उतना आप नहीं कह सकते कि उतना उससे उन्होंने अच्छा किया होगा। डायरेक्शन कहीं ना कहीं आपको पसंद नहीं आया, हम ऐसा कैसे? डायरेक्शन अपनी जगह, देखो कोई भी काम कर रहा है वो अपने तरीके से सही काम कर रहा है, बट वो हमारे ऊपर है कि हम किस क्या देखना चाह रहे हैं। सनी देओल जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनका जो माचो मैन है, उस हिसाब से वो थोड़ा सा अलग है। म्यूजिक पसंद आया तो उनको ये गाना, म्यूजिक में दो या तीन गाने हैं तो एक उसमें अच्छा है। कितने स्टार देंगे आप? पाँच में से तीन। थैंक यू। अच्छी पिक्चर, सनी देओल बहुत अच्छी एक्टिंग, सनी देओल और प्रीति जिंटा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, अच्छी पिक्चर। अरशद वारसी तो जो अपना रोल है उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी कॉमेडी की, प्रीति जिंटा और मैंने बताई दिया सनी देओल की अच्छी केमिस्ट्री है, अच्छी टाइमिंग। कैसी फिल्म लगी आपको? बढ़िया, देखी जा सकती है। डेफिनेटली एक टाइम तो देखा जा सकता है, अभी जो बाकी पिक्चर्स आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में। कोई गाना पसंद है? गाने अभी पहली बार ही सुने मैंने, बाहर तो सुने नहीं, बट देयर गुड लिरिक्स। कितने स्टार देंगे आप? तीन। अच्छी लगी आपको फिल्म भैया जी सुपर? मुझे तो अच्छी नहीं लगी है, तो इसमें स्टोरी वगैरह बराबर नहीं है, डायरेक्शन अच्छा नहीं है। जो एक्टर है, हाँ, है सनी देओल है, वो वेस्ट हो गया, एक्टर को वेस्ट हो गया, सब वेस्ट है आपके। वेस्ट सनी देओल भी पसंद नहीं है? नहीं है, उसका डबल रोल पसंद नहीं है। अच्छा, स्टोरी लाइन क्या थी थोड़ा सा अगर उस बारे में बताया? जो कॉमेडी जो इसमें बताई जा रही है, कॉमेडी बहुत चीप कॉमेडी है, इसके लिए वो चलेगी नहीं पिक्चर। अच्छा, कॉमेडी में भी मजा आना चाहिए ना। कोई गाना पसंद आया आपको इसके? नहीं, कुछ खास नहीं। पैसा बेकार चलेगा, आप ऐसा कहेंगे कि मेरा पैसा बेकार चलेगा? हाँ, पैसा बेकार चलेगा, टाइम भी वेस्ट होगा, ऐसा होगा। कितने स्टार देंगे आप? वन। थैंक यू। चलो रोला, चलिए मैडम, कैसी लगी आपको भैया सुपर हिट? भैया कैमरा कैसी लगी आपको भैया? भैया जी सुपर हिट से जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी हाई थी, बट वो काफ़ी नीचे चले गए मेरे हिसाब से, क्योंकि सनी देओल को हम हमेशा तीनों ड्रामा वो सब में देखते हैं, और कॉमेडी मुझे ऐसा लग रहा है उन पे बिल्कुल जच नहीं रहा। तो आप ऐसा मानते हैं आपका पैसा वेस्ट हो गया, पूरा पानी? पैसा वेस्ट नहीं बोल सकती, चलो अगर 100 रुपये डाला तो लाइक 80% तो वसूल हो ही गया। प्रीति जिंटा की, अमीषा पटेल की एक्टिंग आपको कैसी लगी? प्रीति जिंटा एंड अमीषा पटेल वॉज लुकिंग वेरी गुड ऑन दिस मूवी, बट आई थिंक सो कॉमेडी उनके लिए भी शायद नहीं जमा इस बार, तो फॉर मी इट्स लाइक वन टाइम वॉच मूवी। लोगों ने कहा है कि कॉमेडी चीप है, तो कहीं एट पॉइंट आपको लगा कि मूवी मतलब फैमिली के साथ देखने लायक? नो नो, आई डोंट थिंक सो, इट्स लाइक इट्स टोटली डिपेंड अपन योर ओपिनियन, इफ यू थिंक इट्स गुड फॉर यू देन यू कैन कम विद योर फैमिली एंड वॉच द मूवी। ओके, प्रीति जिंटा एंड अमीषा पटेल और अर्शद वारसी कैसे लगे इन सब की एक्टिंग? एक्चुअली द स्टार कास्ट वाज वेरी गुड, इसके लिए मैं आई थी देखने के लिए, बट एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई था जैसे मैंने आपको बोला, और वो काफ़ी लो निकला। पैसा वसूल मूवी थी? सम हाउ इट वाज। ओके, व्हाट अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी? इट वाज क्वाइट गुड बट नॉट दैट मच गुड दैट आई एक्सपेक्टेड। कितने स्टार देंगे आप? 5 में से 2 बिकॉज ऑफ स्टार कास्ट, ओनली बिकॉज ऑफ स्टार कास्ट। थैंक यू। ओके, कैसी लगी सर आपको ये फिल्म? मुझे आई थिंक इट्स अ वन टाइम वॉच, थोड़ी एवरेज लगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े इसमें एक्टर्स थे, इसमें श्रेयस तलपड़े थे, अरशद वारसी थे, सनी देओल जिनको यमला पगला दीवाना के लिए जाना जाता है, अरशद वारसी जो मुन्ना भाई MBBS, सो गिवन द फैक्ट प्रीति जिंटा शी इज़ गुड, उनका रोल मुझे बहुत पसंद आया, उन्होंने UP एक्सेंट एक्वायर किए फिल्म के लिए, बट जिस तरह के एक्टर्स जो अपनी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, सो आई फेल्ट इट वॉज स्लाइटली डिसअपॉइंटिंग कि उन इतने अच्छी स्टारकास्ट थी, तो नीरज पांडे जी जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उनसे बहुत कुछ करवा सकते थे, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स डाल सकते थे, मूवी इज एंटरटेनिंग बट अगेन इन बिट्स एंड पार्ट्स। ओके, सो कॉमेडी की अगर हम बात करें तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को लगी बकवास थी, चीप थी, सो
about the comedy, what do you think film ki comedy kaise? Like I said, it will entertain you but in bits and parts. Hai comic scenes, kaafi comedy punches hai, hilarious hai. There are few scenes between Sunny Deol and Preeti Zinta which are very funny. And Sanjay Mishra ka bhi chhota sa role hai, unko dekh ke hansi aa jati hai. To aise hai, matlab kaafi scenes hai, but then again action scenes are so random. बीच में रैंडम कैरेक्टर्स ये किए हैं तो दैट इज़ वाई यू नो एट वन पॉइंट यू फाइंड इट वेरी इलॉजिकल एंड कहीं से भी कोई भी आ रहा है सो अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देते उसकी लेंथ को थोड़ा सा एडिट कर देते तो आई थिंक इट वुड हैव डन रियली वेल. हम ऐसा माने कि आपका ऐसा कहना है कि इट्स अ फुल पैसा वेस्ट मूवी? नॉट रियली. एक बार देखी जा सकती है क्योंकि इतनी अच्छी स्टारकास्ट है और सभी अपने अपने यू नो जाने जाते हैं कॉमेडी जॉनर में अपना अपना सब ने बहुत अच्छे रोल्स निभाए इन द पास्ट तो एक बार देखी जा सकती है एंड फ्यू सीन्स आर वेरी फनी तो इट विल एंटरटेन यू बट थोड़ा सा लेंथ की वजह से थोड़ा ये हो सकता है कि इट बिकम स्लो पेस्ट इन बिटवीन बीच में एक्शन सीन्स है सेकेंड हाफ में सो उस तरह से थोड़ा सा ड्रॉबैक है. जैसे कि आपने जॉनर्स के बारे में बात करी सनी देओल हमेशा मतलब एक्शन सीन करते हुए नजर आते हैं में कॉमेडी सो ये रोल उनके ऊपर सूट हो रहा था या नहीं? सूट हो रहा था. अमला पंगला दीवाना सीरीज यू नो ही इज़ नोन फॉर कॉमेडी एज वेल. इंटेंस रोल्स उन्होंने मोहल्ला से रिसेंटली की जो लोगों को बहुत पसंद आई बहुत ही इंटेंस रोल था और उससे पहले भी चालबाज में अगर देखी तो वो भी थोड़ा सा कॉमिक जैसा रोल था तो ही इज़ वेरी गुड एट कॉमेडी एज वेल. ऑल ऑफ देम इनफैक्ट यू नो सनी देओल एंड धर्मेंद्र एंड बॉबी देओल दे आर वेरी गुड एट कॉमेडी. तो ये मूवी में भी सनी देओल का रोल अच्छा है बट अगेन लाइक आई सेड इट्स नॉट वेरी कंसिस्टेंट. टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी, सॉन्ग्स कितने आपको पसंद आए? मुझे बहुत ही बिलो एवरेज लगा म्यूज़िक क्योंकि अमीशा पटेल इट वॉज सो नाइस टू शी लुक स्टनिंग इन दिस मूवी और उनको कुछ एक दो गाने दिए बहुत ही सेंशियस सॉन्ग्स हैं बट आई थिंक अगर म्यूज़िक अच्छा होता तो और थोड़ा सा यू नो मूवी को बांध के रखती बिकॉज द लेंथ इज सो लॉन्ग कि कॉमेडी सीन्स भी इन बिटवीन आते हैं और म्यूज़िक भी इतना हैपनिंग नहीं है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हुआ. एट एनी पॉइंट डिड यू फील कि मूवी मतलब यू नो बोरिंग हो गई थी या ऐसा कुछ? हाँ बीच बीच में है यू नो ऐसे रफ पैचेस हैं वे यू फील दैट इट्स गोइंग नोवेयर. सेकंड हाफ में ऑल ऑफ अ सडन इतना सारा एक्शन एंड देन यू नो मतलब वही है कि मूवी का कोई ये नहीं है यू नो डायरेक्टर ने कुछ सोच के प्लान करके नहीं किया. स्क्रीन प्ले इज लिटिल बिट बैड यू नो. फाइनली आउट ऑफ 5 2 स्टार्स. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सर.